हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम वॉमिटिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था वॉमिटिंग का फिजियोलॉजी में। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में ही ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है, लेकिन सेकंड पार्ट जो हमारा थोड़ा बहुत बचा है वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ और है। ठीक है, तो मैकेनिज्म वॉमिटिंग में देखते हैं आगे क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हम जानते हैं कि वॉमिटिंग क्या है। वॉमिटिंग इज़ ए रिफ्लेक्स प्रोसेस। ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉमिटिंग इज़ गवर्न्ड बाय द वॉमिटिंग सेंटर। किसके द्वारा होती है वॉमिटिंग, कब होती है, जब हमारा वॉमिटिंग सेंटर जो होता है हमारा ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है वो ट्रिगर होता है। उसके ट्रिगर होने के बाद ही जो होती है बाकी सारे मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि ग्लॉटिस का क्लोज होना या फिर हमारे लैरिंग्स का फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट होना, इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर का इंक्रीज़ होना, और हमारे जो लोअर और अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर्स हैं और ईसोफेगस बॉडी ऑफ स्टमक है उसका रिलैक्स होना। तो ये सारे मूवमेंट तब होते हैं जब हमारा जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है किसी भी तरीके के जो हमारे कॉजेस थे उनसे। ठीक, तो देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉमिटिंग इज गवर्न बाई, किस चीज़ से होती है हमारी वॉमिटिंग गवर्न, वॉमिटिंग सेंटर विच इज सिचुएटेड कहाँ पर होते हैं, बायलैटरली इन द मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। बायलैटरली इन द मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में दोनों तरफ होते हैं बायलैटरली, मतलब हाफ, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना कि वन पार्ट इज लाइक दिस एंड अदर पार्ट इज लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों पार्टों में हमको वॉमिटिंग सेंटर्स जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और कहाँ पर होते हैं, नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस होता है उसके पास में होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है। देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको देखने मिल रहा है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये है जो पर्पल कलर का है, और इसके आगे ही जो आपको देखने मिल रहा है ये ब्लू कलर का जो है ये हमारा क्या है, वॉमिटिंग सेंटर है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको CTZ सेंटर भी दिखा दे रहा हूँ जो हमारा कीमोरिसेप्टर ट्रिगर सेंटर होता है। ये जो होता है ये आपको देखने को मिल रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये वाला एरिया जो हमारा ये जो आउटलाइन है ये फोर्थ वेंट्रिकल की है। इस फोर्थ वेंट्रिकल के ही एट लास्ट पार्ट में, बिल्कुल जो एंडिंग पॉइंट होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, ठीक है, जो बेस होता है बिल्कुल वहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं हमारे CTZ सेंटर होता है। ठीक है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है। ठीक, ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं तो क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट फॉर्म वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विसरल सेंटर्स। ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स विसरल सेंटर्स का ये एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास में जो होते हैं हमारे विसरास को सप्लाई करने वाले और बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके आसपास में स्लाइवेशन का भी होता है और हमारी डेफिकेशन का भी होता है, तो और इन सब चीज़ों के वहाँ पर आसपास में सेंटर्स होते हैं। वेस्टिबल जो हमारे कान के होते हैं, वेस्टिबल न्यूक्लाई होते हैं, वो भी वहीं पर आसपास होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, उन्हीं के एक ग्रुप, मतलब उन सब में मिलके एक ग्रुप टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर वो इफेक्ट होता है तो उसके आसपास वाले भी इफेक्ट होते हैं। इसके वजह से हमें क्या देखने मिलता है, जब वॉमिटिंग होती है तो हमें उस टाइम पर क्या देखने मिलता है, स्लाइवेशन सेंटर होता है, स्लाइवेशन भी देखने को मिलता है, डेफिकेशन। कुछ लोग होते हैं कि वॉमिटिंग होने का उनको तुरंत से एकदम से क्या होता है, वो स्टूल करने के लिए जाते हैं, तो डेफिकेशन सेंटर वहीं आसपास होता है। इसलिए वैसोमोटर सेंटर्स, एकदम से ब्लड प्रेशर हमारा जो होता है वो भी अफेक्ट होता है उसकी वजह से वॉमिटिंग होने के बाद। और वेस्टिबुलर न्यूक्लाई, लोगों के कान में भी अजीब सा लगने लगता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग करने का ऐसा लगता है कान बंद हो गए हैं या फिर कान में एकदम से आवाज़ ही आने लगती है एकदम। तो ये सब चीज़ें इस वजह से मिलती हैं क्योंकि ये जो सेंटर्स होते हैं इन सब चीज़ों के, इन फंक्शंस के, वो जो होते हैं हमारे वॉमिटिंग सेंटर्स के आसपास में ही होते हैं, इसलिए ये हमें बाकी लक्षण में देखने को मिलते हैं वॉमिटिंग में। सो देयर इज़ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉमिटिंग एंड स्लाइवेशन, वॉमिटिंग और स्लाइवेशन के बीच में, इसलिए कंसिस्टेंट हमको वो देखने को मिलता है, रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्या होता है, वॉमिटिंग आने से पहले क्या होता है, मुँह के अंदर स्लाइवेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए डेफिकेशन, रेस्पिरेशन या वैसो मोशन, ये सब वहीं पर सेंटर्स होते हैं। ठीक, देखते हैं, दिस सेंटर कैन बी डायरेक्टली स्टिमुलेटेड, ये डायरेक्टली स्टिमुलेटेड भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे ब्रेन में जाती हैं, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा पॉन्स और हमारा मिड ब्रेन जो होता है वहाँ पर जाती हैं, सेरेब्रम में जाती हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो डायरेक्टली इन सेंटर्स को एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, या डायरेक्टली ट्रिगर कर देती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, सर्टेन ड्रग्स लाइक द
एपोमॉर्फिन हो गई, ठीक है, सर्टेन टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि यूरेमिया में होता है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, इसकी वजह से भी ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, ये जो हमारे वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं एकदम से, ठीक है, ट्रिगर हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो गया, एस्फेक्सिया, मैनिंजाइटिस, ये सब कंडीशन है एंड सच अदर्स, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन बी रिफ्लेक्सली स्टिमुलेटेड बाई द वेरियस वे, ये रिफ्लेक्सली भी स्टिमुलेटेड हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, एक जो बताया था आपको मैकेनिकली भी जो होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, या फिर ऑर्डर की वजह से, कोई बहुत फाउल ऑर्डर है या कुछ बहुत ही वैसा टेस्ट कर लिया आपने, बहुत ही बिटर टेस्ट कर लिया, तो इस वजह से भी हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, ये हमारा जो वॉमिटिंग सेंटर है ये कहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, जस्ट नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टा सॉलिटेरियस, ये आपका न्यूक्लियर ट्रैक्टा सॉलिटेरियस यहीं पर है, ये देखिए ये पर्पल कलर का है और उसके आगे ब्लू कलर का आपको ये वॉमिटिंग सेंटर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। आगे आते हैं, तो दे आर द टू पाथवे बाई विच द वॉमिटिंग सेंटर इज अफेक्टेड, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर इफेक्ट किस वजह से होते हैं, दो पाथवे की वजह से होते हैं, फर्स्ट दो बता रखा है, नर्वस पाथवे, नर्वस पाथवे कैसे हो रहा है कि हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, हर जगह मोस्टली हम देखने मिलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ऑर्गन सप्लाई करते हैं, स्टमक को भी कर रहे हैं, इंटेस्टाइन को भी कर रहे हैं, लीवर हार्ट को भी कर रहे हैं, लंग्स को भी कर रहे हैं, तो कहीं पर भी इरीटेशन होने की वजह से, मान के चलिए गैस्ट्रिक के अंदर कोई इरीटेटेड कंटेंट गया जिसकी वजह से गैस्ट्रिक के हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनमें एकदम से इम्पैक्ट पड़ा या फिर हमारी म्यूकोजा इरप्ट हुई, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये डायरेक्टली सिग्नल्स लेके जाते हैं कहाँ पर, वॉमिटिंग सेंटर्स पे, और उसकी वजह से क्या होता है, बाकी सारे मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं, वो सारे क्लॉटिस का क्लोज होना और लैरिंग्स का और हायर बोन का अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट और स्फिंक्टर्स का एकदम से रिलैक्स होना, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। और वैस्कुलर पाथवे में क्या देखने मिलता है, जब हमारा आपने देखा होगा कि एकदम से क्या होता है, जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है किसी का तो क्या होता है, वॉमिटिंग आने के चांसेस, वॉमिटिंग आ जाता है, एकदम वॉमिट हो जाती है कई लोगों को, या फिर लोग बोलते हैं कि गैस बन रही है, तो कुछ लोग एकदम से उल्टी आती है, तो उसके बाद वॉमिटिंग आने के बाद क्या होता है, गैस बनना बंद या फिर शांत नॉर्मल हो जाता है एकदम से, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस हो रही है, उनको गैस बन रहा है बहुत ज़्यादा सिर में, इसकी वजह से हमें चक्कर आ रहा है, और जैसे ही उनको वॉमिटिंग होती है उसके बाद क्या होता है एकदम वो रिलैक्स हो जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, ठीक। तो वो है, तो नर्वस में देखते हैं, द नर्वस पाथ लाई इन वेरियस एफरेंट पाथ वे कमिंग फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन स्पेशली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो हमारे GI ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में सप्लाई करने वाले कौन से एफरेंट पैथ, मतलब हमारे जितने भी सेंसरी नर्व्स निकलती हैं वो कहाँ जाके जाती हैं, वो सब मैसेज लेके जाती हैं कहाँ पर, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में, और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में हमारा क्या देखने को मिलता है, हमको मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में हमारा जो वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं वो होते हैं, वो वहाँ से इफेक्ट होते हैं, वॉमिटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, और सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो हमारी ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है, ड्यूडेनम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट में हमारा आके क्या होता है, बाइल डक्ट ओपन होती है, वही सब पार्ट जो होता है फर्स्ट पार्ट इसका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ पर अगर इरीटेशन होती है या गैस्ट्रिक कंटेंट कोई भी ऐसा होता है जो कि इरीटेशन करता है, या फिर ड्यूडेनल अल्सर्स वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है एकदम से स्टिमुलस जाता है ब्रेन में, और वहाँ से वॉमिटिंग सेंटर्स के द्वारा वो सारे मूवमेंट होकर वॉमिटिंग को कराया हो जाती है, ठीक है। तो द एफरेंट इम्पल्स मे ऑल्सो अराइज इन थ्रोट से भी होते हैं इम्पल्स जनरेट, ठीक है। कौन कौन से, टिंगलिंग सेंसेशन नर्व, जैसे सेंसरी नर्व कौन सी हमारी, 5th and 9th सेंसरी नर्व जो होती हैं, ये भी जो होती हैं हमारी क्या कहते हैं, एफरेंट इम्पल्स को जनरेट कर देती हैं। स्टमक भी इरीटेशन कॉज करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन की वजह से भी होता है, यहाँ देखने मिलता है, एंड अदर ऑर्गन आउटसाइड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रक, अदर ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग हो गए या लीवर हो गया, तो इनमें भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं, और किस तरीके की इरीटेशन होने की वजह से क्या होता है, वो इम्पल्स जो एफरेंट इम्पल्स होते हैं वो ब्रेन में लेके जाते हैं और वहाँ से वो वॉमिटिंग करा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इधर तक देख लिया, ये देखिए अदर ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, यूट्रस हो गया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गई जो कि हमारी एयर में होती हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, अभी तक हम देख लिया, अब देखते हैं केमिकल सब्सटेंस जैसे कि हमारे एमेटिक्स होते हैं, जैसे कि एपिकैप आता है, तो ये क्या होते हैं, वॉमिटिंग कराने के लिए होते हैं, ये वॉमिटिंग कराने के लिए दिए जाते हैं, ताकि जो भी अगर कोई इरीटेटिव कंटेंट, या फिर कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा
ऐसी चीज़ खा के आ जाते हैं, सुसाइड के केस होते हैं कि आपने जो अल्कोहल होती है वो कंजप्शन कर लिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, या फिर कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमारे ओपाइड्स या बेंजोडाइजपिन के संग में अल्कोहल पी लेते हैं, तो ये भी क्या सुसाइडल केस होते हैं, या फिर कोई पॉइजनिंग करके आ रहा है, होमिसाइडल पॉइजनिंग किसी तरीके करके आ रहा है, या फिर कोई आर्सेनिक पॉइजनिंग मर्करी पॉइजनिंग करके आ रहा है इस तरीके की, तो उनमें भी उन चीज़ों की वजह से भी ये ट्रिगर होता है। ठीक है, मेडिसिन हम जैसे हमने केमिकल कंपाउंड में तो ये सारे केमिकल कंपाउंड ही हैं। अब एमेटिक्स में ऐसे हम देते हैं जो हम उल्टी कराने के लिए देते हैं, वॉमिटिंग कराने के लिए, वो एपिकैप होता है जैसे कि हम देखते देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पास बाय अ बॉडी फ्लूड एंड एक्ट ऑन द कीमो रिसेप्टर। ठीक है, जो हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो CTZ बोलते हैं ना, वो यही होता है। तो ये सब क्या करते हैं, इम्पल जनरेट करवाते हैं, और मतलब सबसे पहले हमारी बॉडी जाते हैं, बॉडी के अंदर फ्लूड में मिलते हैं, वहाँ फ्लूड्स के संग मिलके ये जो होते हैं कहाँ जाते हैं, हमारे जो वॉमिटिंग सेंटर होते हैं, कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, CTZ होता है, वहाँ जाते हैं, और CTZ सेंटर क्या होता है, वो वहाँ से इम्पल्स भेजता है किस पे, वॉमिटिंग सेंटर पे, और वॉमिटिंग सेंटर्स क्या होते हैं, फिर हमें जो हमारे मोटर एक्शंस होने होते हैं उसके लिए वहाँ से इफेरेंट इम्पल्स भेजता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, अब ये CTZ सेंटर इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंटिकल, ये मैंने पीछे आपको बता दिया, फोर्थ वेंटिकल के फ्लोर में पाया जाता है ये, एंड कॉज वॉमिटिंग को कॉज करता है। ठीक है, अब यहाँ तक पढ़ चुके हैं सेंसरी लेके जा रहे हैं, मतलब एफरेंट इम्पल्स जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, जो हमारे GI ट्रैक्ट से भी जा रहे हैं, और अदर देन GI ट्रैक्ट ऑर्गन्स जो हैं वहाँ से भी जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेंसरी था, जो मैसेज था, वो तो ब्रेन तक पहुँच गया, वॉमिटिंग सेंटर्स तक पहुँच गया। अब वॉमिटिंग सेंटर जो है वो किस तरीके से एक्शन करवाते हैं, किस तरीके से दोबारा से इफेरेंट्स के थ्रू जो होते हैं उनको भेजते हैं, मोटर सेंसेशन कैसे आती है। ठीक है, तो मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है, वॉमिटिंग सेंटर से अब आने वाले वॉमिटिंग सेंटर से मोटर इम्पल्स आती हैं, आर ट्रांसमिटेड थ्रू द 5th, 7th, 9th, 10th, एंड 12th क्रेनियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व जो होती हैं, ये मोटर इम्पल्स को ब्रेन से हमारी वॉमिटिंग सेंटर से हमारी जो अदर ऑर्गन्स हैं, ग्लॉटिस का बंद होना, और लैरिंग्स का अपवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट, हायर बोन का मूवमेंट, और स्फिंक्टर का रिलैक्स होना, स्फिंक्टर का एकदम से कॉन्ट्रेक्शन होना, ये सारे काम कराता है। ठीक है, टू द अपर GI ट्रैक्ट। ठीक है, अपर GI ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से हमारे काम होते हैं, अपर GI में ऐसे हमारे वही सारा ईसोफेगस के अपर लोअर स्फिंक्टर रिलैक्स होना, ईसोफेगस का रिलैक्स होना, बॉडी ऑफ उसका कार्डिक कार्डिक स्फिंक्टर है उसका रिलैक्स होना, और जो स्टमक की बॉडी है उसका रिलैक्सेशन होना। ठीक है, तो ये सारे अपर GI वाले हमारे देखने मिल रहे हैं, किस वजह से होते हैं, ये क्रेनियल नर्व की वजह, कौन कौन से क्रेनियल नर्व, 5th, 7th, 9th, 10th, एंड 12th क्रेनियल नर्व की वजह से हो रहे हैं, और जितना नीचे का होता है थ्रू स्पाइनल नर्व टू डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल। ठीक है, डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन होना और एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रेक्शन होना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक में हमारा प्रेशर होता है, इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर होता है, वो इंक्रीज होता है, तो वो किन वजह से होता है, वो होता है हमारा स्पाइनल नर्व्स की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर ये डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एरियाज लॉस द रेस्पॉन्स, लॉस ऑफ द रेस्पॉन्स, कि अगर हमारे जो सेंटर्स हैं, कीमो रिसेप्टर सेंटर्स हैं हमारे, या हमारे वॉमिटिंग सेंटर, CTZ सेंटर, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनका डिस्ट्रक्शन होने के बाद, चाहे हम उनके ऊपर डायरेक्टली जो हमारे एमेटिक्स हैं वो भी अगर डायरेक्टली इन पर अप्लाई करते हैं, तब भी जो होते हैं वॉमिटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वो इधर रखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एरिया रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ रेस्पॉन्स, जितना भी रेस्पॉन्स है वो सब खत्म बंद हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं इनमें क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, अगर क्रेनियल नर्व में से 5th, 7th, या 9th, 10th, 12th क्रेनियल नर्व, कोई भी क्रेनियल नर्व का मोटर पाथवे जो वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, जो फंक्शन होने वाले हैं बॉडी के ऊपर, जो मोटर फंक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं, वो फंक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ रेस्पॉन्स होगा, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, वेन एमेटिक्स प्ले डायरेक्टली ऑन द रिसेप्टर साइड इज द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, डायरेक्ट भी अगर हम प्लेस कर देते हैं इनको, तब भी कोई असर देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। ठीक, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ वॉमिटिंग इज गैस्ट्रिक इरीटेशन। कॉमनेस्ट कॉज क्या है वॉमिटिंग का, गैस्ट्रिक इरीटेशन, एंड इट्स पर्पज टू ड्राइव आउट द इरीटेटेड फूड फ्रॉम द स्टमक। वॉमिटिंग का जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है, जो भी इरीटेटिव कंटेंट हमारे स्टमक के अंदर है, इंटेस्टाइन में है, उसको शरीर से बाहर निकालना, ताकि वो हमारी बॉडी को किसी तरीके से और तरीके से डैमेज ना करे, या और कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर क्रिएट ना करे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट चीज़, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होती है, द सेंट्रल वॉमिटिंग कॉज बाई द स्टिमुलेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ठीक है, इस तरीके की वॉमिटिंग है जो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने की वजह से यह होती है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को ट्रॉमा लग जाए या ट्यूमर हो जाए ब्रेन के अंदर या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये सब क्या करते हैं, ये डायरेक्टली एकदम से बहुत तेज़ी से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करते हैं। मतलब जो हमारा जो एक्सपल्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट का एक्सपल्शन होगा वो बहुत तेज़ी से होगा और काफ़ी दूर तक वॉमिटिंग जाएगी निकल के मुंह से, ठीक है। फ्लो बहुत तेज़ होगा, ठीक है। इरिटेशन इन द मेनिंजाइटिस, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने में मिलती है। इस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हैविंग ए लिटिल फीलिंग ऑफ नोजिया, बहुत हल्की फुल्की फीलिंग होती है इसमें नोजिया की, इसमें कोई रैचिंग और ये नोजिया वाला ऐसा कोई लक्षण आपको देखने को मिलता है। एकदम से वॉमिटिंग आती है बहुत तेज़ी से फोर्सफुली, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, इनमें वॉलेंट्री मसल्स का भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है किसी तरीके का भी, ठीक। अपने आप एकदम से बहुत तेज़ी से होगी, नोजिया और रैचिंग वगैरह भी हमको बहुत कम मात्रा में देखने मिलती है, नहीं होती है नॉर्मल के, ऐसे नॉर्मल वॉमिटिंग में हमको वो नोजिया वगैरह होता है वैसा देखने को मिलता है, बहुत ही कम होता है। और नॉर्मल वॉमिटिंग जब होती है तो हमारी वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता, वॉलेंट्री मसल्स का जो कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये किन में देखने मिलता है, ये तो हमने देख लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि ये ट्रामा हो रहा है या किसी का ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है या इन्फ्लामेशन मैनेजर्स में हो रही है, इंटरग्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो इन वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर ऑफ द वॉमिटिंग ड्यूरिंग मोशन सिकनेस, वॉमिटिंग इंड्यूस्ड बाय द ड्रग, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो वॉमिटिंग सेंटर्स हैं वो ड्रग इंड्यूस करने की वजह से या फिर मोशन सिकनेस की वजह से किस तरीके से वॉमिटिंग होती है तो वो बता रखा है, ठीक है। सेंटर ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग इंड्यूस बाय द ड्रग, इंड्यूस बाय द ड्रग में हमारी कौन सी है आपको बताया था मैंने, वो आती है एपिकैप करके आती है, तो वो जो होती है वो ड्रग के रूप में जो कि हम इंड्यूस कराते हैं जैसे कि हम देने के बाद, ठीक है, तो वो है। और मोशन सिकनेस मतलब सी सिकनेस, अगर कोई समुद्र में जा रहा है या फिर कोई स्विमिंग कर रहा है या फिर पहाड़ों पे जाने वाले लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा मोशन सिकनेस वॉमिटिंग आती है, तो उस वजह से होने वाली, तो क्या होता है सच है इसमें बता रखा है ड्रग्स जैसे मॉर्फिन एपोमॉर्फिन ये सब जो होती है ये वॉमिटिंग कराने वाली होती है। इज़ वन ऑफ द फोर्थ, इज़ ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। दिस एरिया इज कॉल्ड द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये सब जो होती हैं इस पर जाके काम करते हैं, मतलब ये डायरेक्टली कभी वॉमिटिंग सेंटर को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सबसे पहले क्या होती हैं, ये हमारा जो सी टी जेड सेंटर होता है जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके फ्लोर में सी टी जेड सेंटर होता है, पहले उसको स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो जो होता है वो इम्पल्स भेजता है कहाँ पर, वॉमिटिंग सेंटर्स पर, और फिर वॉमिटिंग सेंटर्स जो होते हैं वो मोटर इम्पल्स भेजते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से मोटर फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो यही बता रखा है ड्यूरिंग मोशन सिकनेस एंड एफरेंट इम्पल्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर एपरेटस रीचेस टू द वॉमिटिंग सेंटर थ्रू दिस जोन, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू कैसे है। देखिए जैसे कि मान के चलिए ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसको मोशन सिकनेस हो रही है, ये सी की वजह से इसको मोशन सिकनेस हो रही है, बार बार लग रहा है कि वॉमिटिंग होगी, तो ये इम्पल्स कहाँ पर भेजते हैं, ये हमारे जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है इसमें इम्पल्स भेजते हैं, ठीक है। ये इरीटेशन होता है वहाँ पर जो हमारी नर्व्स होती हैं सेंसरी नर्व्स होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, उनके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है ये मैसेज भेजते हैं कहाँ पर, ये मैसेज भेजते हैं हमारे कीमोरिसेप्टर जोन ट्रिगर जोन जो होता है सी टी जेड सेंटर होता है वहाँ पर, जो कि कहाँ पर है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। फिर ये सी टी जेड सेंटर जो होता है ये कहाँ भेजता है, ये भेजता है वॉमिटिंग सेंटर को जो कि हमारा कहाँ पर है, ये किसके न्यूक्लियर ट्रैक्टा सॉलिटेरियस के आगे होता है, ठीक है, वहाँ भेजता है। और फिर ये जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है ये कहाँ भेजता है, ये हमारे सारे मोटर वाले भेजता है कहाँ पर, हमारी बॉडी में जो अलग अलग फंक्शन हमको देखने मिलते हैं, जो सिक्वेंस में हमने देखा था कि क्या क्या देखने को मिल रहा था, हमारी ईसोफेगस का अपर लोअर स्फिंक्टर का एकदम से रिलैक्स हो जाना, स्टमक की बॉडी जो होती है उसका रिलैक्स होना, और बाकी जितने मोटर फंक्शंस थे वो सब देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये पाथवे बताया है कि किस तरीके से ये होता है इस मोशन सिकनेस वाले कंडीशन में या फिर ड्रग इंड्यूस जो ड्रग वगैरह देते हैं मॉर्फिन एपोमॉर्फिन उसकी वजह से कैसे होता है, ठीक। अब देखते हैं सेंटर फॉर द साइकिक स्टिमुलाई इंड्यूस वॉमिटिंग, साइकिक स्टिमुलाई मतलब ये हमारे एक तो बोलते हैं ना कि जैसे हमने आयुर्वेद में बोलते हैं दुष्ट शर्दिया, मतलब कोई भी ऐसी गंदी चीज़ देख ली या फिर सुन ली या फिर कुछ ऐसा खा वो सूंघ लिया जिसकी वजह से एकदम से वॉमिटिंग होने लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ ऐसे मान के चलिए आप कहीं से कोई जा रहा है और इस तरीके की जगह आपने देखी, स्मेल बहुत गंदी आ रही है एकदम से आपने देख लिया, ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसी
कोई न्यूज़ सुन ली जिसकी वजह से आपने एकदम से वॉमिटिंग होने लगे, जैसे कोई किसी के एक्सपायर होने की न्यूज़ हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी उसमें ऐसी कोई न्यूज़ हो गई, उसकी सुनने की वजह से क्या होता है, हमारी जो हमारे टेस्ट वो होते हैं या सेंसरी वो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और फिर इनके जो सेंसरी होते हैं वो सारे हमारे जाके वॉमिटिंग कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, सेंटर ऑफ द वॉमिटिंग ड्यू टू द साइकिक स्टिमुलाई सच एज द नॉजेटिंग ऑर्डर साइड एंड नॉइस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इनके सारे सेंटर्स कहाँ पर होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, मतलब ये एकदम डायरेक्टली ही वॉमिटिंग करा देते हैं। इनमें भी कोई ज़्यादा नोजिया रिचिंग या फिर इस तरीके की चीज़ें हमें देखने मिलती है, ये भी एकदम से डायरेक्टली वॉमिटिंग कराते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है बिना किसी, मतलब किसी चीज़ को देखते ही एकदम से वॉमिटिंग हो जाना, तो इस तरीके की ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, यहाँ तक उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और अगर आप चाहते हैं किसी भी हम दूसरे टॉपिक पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पर वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।